कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे, जगकर आकाश की ओर देखेंगे तो पाएंगे कि भोर होने से ठीक पूर्व रात्रि तनिक अधिक घनी हो जाती है। अर्थात जब समस्याएं अपनी चरम सीमा पर होती है तो उनका हल निकट होता है, परंतु जो इस अंधकार से हार जाता है वो इस अंधकार में डूब जाता है, और जो संघर्ष करता है वो उस अंधकार से उभर आता है। सदैव स्मरण रखिएगा, अंत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, उसके पश्चात एक नया आरंभ फूटता है, एक नया उदय होता है। चक्रवात के पश्चात जो शांति छाती है उसके पश्चात प्रारंभ होता है शुभ जीवन का, शुभ भविष्य का, शुभ नव प्रारंभ का। अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ। ए, उत्तर दो इसे। मैंने तो सहसास्त्र चलाया था, मेरे बाण शस्त्र बाणों में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहे? मेरा लक्ष्य कैसे चूक सकता है? पर्वतास्त्र, ये सब क्या हो रहा है? बाण प्रकट क्यों नहीं हो रहे? कैसे करूंगा मैं सबकी रक्षा? तुम शीघ्रता करो पार्थ, द्वारका की सभी स्त्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ। किंतु माधव, मैं आपके आदेश का पालन कैसे करूं? कैसे करूं इन सबकी रक्षा? लक्ष्मण, छुप के बैठिए। वो दिन समाप्त हुए अर्जुन, जब सारा संसार तुम्हारे गांडीव से कांपता था। अब नवयुग आरंभ हो चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ज्येष्ठ, कैसे मेरे बाण अपना संधान नहीं कर पाए?
कैसे मेरे गांडीव की प्रत्यंचा टूटी, मेरे रहते हुए मेरी सुरक्षा में आई कितनी स्त्रियों को वो, कितने धन को लूट कर ले गया, और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं माधव के आदेश का पालन नहीं कर पाया। जैसे नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। माधव का संदेश क्या है अर्जुन? हर प्राणी के जीवन का एक कारण होता है, एक लक्ष्य होता है पार्थ, और उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका सृष्टि में रहना संतुलन बिगाड़ता है। द्वारका की सभी स्त्रियों को और बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ, ताकि वो हस्तिनापुर के परिवर्तन का भाग बनकर धर्म के मार्ग पर चल सके, नवीन युग का आलिंगन कर सके। मैं समझ गया अर्जुन, मैं समझ गया। परिवर्तन का समय आ गया है। नई पत्नियों को आने के लिए पुरानी पत्नियों का झंडा आवश्यक है। आपका मंतव्य क्या है आर्य? शीघ्र ही सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। हस्तिनापुर की राजसभा का आह्वान किया जाए। परीक्षित वृष केतु को अवश्य बुलाया जाए। आज ये सभा यहां इसलिए बुलाई गई है, जो योग्य है उसे उसका अधिकार प्राप्त हो। हम सब यहां अपनी नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वृषकेतु, परीक्षित, मैं सम्राट युधिष्ठिर आप सभी के समक्ष परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा घोषित करता हूं। महाराज परीक्षित की जय! महाराज परीक्षित की जय! महाराज परीक्षित की जय! महाराज परीक्षित की जय! और वृष केतु को इंद्रप्रस्थ नरेश घोषित करता हूं। महाराज वृष केतु की जय! महाराज वृष केतु की जय! महाराज वृष केतु की जय! महाराज वृष केतु की जय!
परीक्षित की जय। महाराज वृषकेतु की जय। महाराज परीक्षित की जय। महाराज वृषकेतु की जय। सदैव एक दूसरे का साथ देते रहना और स्मरण रखना कि शक्ति बिना उत्तरदायित्व के भान के विनाश लाती है। सदैव अपना उत्तरदायित्व स्मरण रखना। तुम्हारे पिता ने तुमसे छोटी आयु में चक्रव्यूह तोड़ा था। ध्यान रहे, काम क्रोध मद मोह और आसक्ति के चक्र में मत पड़ना पुत्र। हमें तुमसे अनेकों आशाएं। और तुम्हें उन पर खरा उतरना है। मेरे पश्चात परिवर्तन का रहस्य है। प्रारंभ होगा। तुम्हारे पिता समाज के लिए प्रेरणा थे। तुम भी उनके जैसे सूर्य बनकर चमकना, उनके यश को और भी अधिक उज्ज्वल करना पुत्र। और स्मरण रखना पुत्र, मनुष्य का कर्म उसके चुनाव उसकी नियति का निर्धारण करता है। सदा शुभ कार्य करना। महाराज वृषकेतु की जय। महाराज परीक्षित की जय। 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 भीतर कर क्या रहे? उन्हें भीतर के काफी समय हो गया है, हमें भीतर जाकर देखना चाहिए। Yeah.
आप इन वस्त्रों में? माधव का संदेश सुनकर भी नहीं समझे अर्जुन? एक समय के पश्चात जब मनुष्य के जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तो उसकी उपस्थिति सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देती है। इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं महाप्रस्थान करूंगा। किंतु इस प्रकार आप हम सभी को अकेले छोड़ के नहीं जा सकते ज्येष्ठ। यदि आप महाप्रस्थान का निर्णय ले ही चुके हैं तो हम सब आपके साथ चलेंगे। क्योंकि जहां आप हैं ज्येष्ठ, वही हमारा घर है। हाँ ज्येष्ठ, मनुष्य अपनी परछाई के बिना अस्तित्व में कैसे रह सकता है? हम पांचों भाई एक दूसरे की परछाई हैं। हम ना एक दूसरे के बिना रहेंगे और ना ही जिएंगे। एक बार फिर आप सबने अपने भ्राता प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया, किंतु मेरा क्या आर्य? पांचाली, मैं जहां जा रहा हूं वह मार्ग बहुत कठिन है और तुम सब उस मार्ग पर नहीं जा पाओगे। कोई भी मार्ग मेरे जीवन रूपी मार्ग से ज्यादा कठिन तो नहीं हो सकता ना आर्य? राज्यसभा में हुए वस्त्र हरण के संताप को मैं सह गई ये सोचकर कि मेरे पांचों पति मेरे साथ हैं, मेरा प्रतिकार लेंगे। तेरह वर्षों के वनवास और अज्ञातवास को हंसते हंसते काटा ये सोचकर कि मेरे पति मेरा त्राण करेंगे। मेरे पुत्रों की असमय मृत्यु से कठिन कोई और कंटक तो नहीं हो सकता ना आर्य? परंतु सहा मैंने, क्योंकि मेरे पुत्रों के पिता मेरे पांचों पतियों का सानिध्य मुझे प्राप्त है और आज आप मुझे ही छोड़कर जा रहे। माता कुंती ने आदेश दिया कि पांचों भाई आपस में बांट, मैं बटी आर्य, परंतु मैंने आप पांचों को बटने नहीं दिया। चाहे मार्ग के कांटे हो या पत्थरों की ठोकरें, हम सबका प्रारब्ध साथ। और यही मेरा निर्णय है आर्य, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। और मुझसे मेरा यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता, स्वयं आप भी नहीं। मैं चयन कर चुकी हूं आर्य, अब इस यात्रा का जो भी परिणाम होगा मुझे स्वीकार होगा। Oh,
मैंने कौरवों और तुम में कभी भी पक्षपात नहीं किया। यदि प्रिय युधिष्ठिर को यह स्वीकार है तो हस्तिनापुर नया राज्य बनाने में तुम्हारी सहायता करें। परंतु पुत्र, इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। तुम्हारी माता कुंती यही हस्तिनापुर में रहे। आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा हम सबके जीवन का सबसे बड़ा खेल होगा। पांच की शक्ति दास हो गई दुर्योधन। युधिष्ठिर भी तुम्हारा दास हो गया। जो विजय संसार के सबसे बड़े युद्ध में नहीं मिल सकती थी वो युद्ध के चाल में तुम्हारी हो गई। वो शेष है द्रुपद पुत्री पांचाली। अब ये द्रुपद पुत्री पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई। दुशासन, तुम मेरा अपमान करने वाली उस दासी को अपने इन भुजाओं से उसके बाल पकड़कर खींचकर इस सभा में लेकर आओ। दुर्योधन, तुम अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो, वहीं पर उन्हें विराम लगा दो। तुम इस भांति एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। सावधान दुर्योधन, आप अपनी प्रतिज्ञा की सीमा में बंधे हैं पितामह। आप अपने वचन से बंधे हैं आचार्य। और तुम कर्ण, मेरी मित्रता के बंधन में बंधे हो। कर्ण, लीजिए जयेश आपका आदेश ना मानने वाली दासी। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में बैठो। आओ वस्त्र हरण करो इस दासी का। पुत्र परीक्षित, सदा द्यूत और शर्त से दूर रहना पुत्र। क्योंकि ये मनुष्य को काल के गर्त में पहुंचा देता है। इस सभा में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप सम्मान है, परंतु इस अधर्मी दुर्योधन को उसके कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। और उससे पहले इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अपनी सुता द्रौपदी का। सदा स्त्री का सम्मान करना पुत्र, किसी को भी स्त्री का अपमान न करने देना, क्योंकि स्त्री का अपमान प्रकृति भी नहीं सहती। मैं दुर्योधन आज हस्तिनापुर के सिंहासन को दांव पे लगाता हूं। बस दुर्योधन, हस्तिनापुर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो जिनका अधिकार है मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। पिताश्री, मेरा इस सिंहासन पे अधिकार नहीं,
अधिकार है पुत्र, और मैं तुम्हें उस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता हूँ। यदि एक चौसर इस क्षण बंद न हुई तो परशुराम शिष्य द्रोण के बाणों को कोई नहीं रोक पाएगा। आचार्य द्रोण, आप इस सभा के सभासद हैं और नियम अनुसार सभा के समाप्त होने तक आप नहीं उठेंगे, अन्यथा आप दंड के पात्र होंगे। स्मरण रखना पुत्र, राजा वो नहीं जो राज्य की सीमा के पार देख सके, राजा वो है जो प्रजा की आंखों की सीमा में आए एक आंसू को देख सके। राजनीति का नहीं, सदा प्रजा नीति को ध्यान में रखकर निर्णय लेना पुत्र, क्योंकि यदि प्रजा प्रसन्न ना तो राजा के मुकुट में जड़े रत्नों को कांटे बनते समय नहीं लगता। धर्म के साथ शासन करना, महाप्रस्थान का समय हो गया है। वानप्रस्थ में प्रस्थान करने का समय आ गया है।
प्रणिपात पिताश्री, महाप्रस्थान का अर्थ समझते हो ना पुत्रों? महाप्रस्थान का अर्थ है कि तुम इस संसार को त्याग कर परलोक जाना चाहते हो। परंतु स्मरण रहे, यह मार्ग इतना सरल नहीं है पुत्रों। हमारे समक्ष अनेक विपदाएं, अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी। और तुम्हारे संरक्षक इंद्र के रहते हुए यह कैसे संभव है? तुम चलो मेरे साथ, मैं स्वयं तुम्हें अपने रथ पर देवलोक ले चलूंगा। आपका हमारे प्रति ये प्रेम गदगद कर देने वाला है इंद्रदेव, परंतु हम आपके साथ जाएंगे या नहीं इसका निर्णय स्वयं इंद्रपुत्र लेंगे। अर्जुन, निर्णय तुम्हारा है। पिताश्री, हम पूर्ण रूप से देव नहीं, हमारे भीतर आधा अंश मानवों का है। पर मनुष्य को परलोक तक पहुंचने के लिए यात्रा करना अनिवार्य है। हम मनुष्य की पीड़ा और समस्याएं सहते हुए महाप्रस्थान करेंगे। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। Come on.
देखिए ना जेष, कब से कुकुर हमारा पीछा कर रहा है। जाओ, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रतीत होता है कि हरे नकुल के रूप पर मोहित हो गया है। हट। रहने दो नकुल, यदि ये भोला जीव साथ आना चाहता है तो इसे आने दिया जाए। मनुष्य की अंतिम यात्रा में जो साथ दे, उससे सच्चा सहयात्री और कोई नहीं। और फिर क्या पता इस कुकुर को भी इसका लक्ष्य प्राप्त हो जाए। आने दो। जेष्ठ, ऐसे कठिन चढ़ाई हम कैसे चढ़ेंगे? मार्ग अब दुर्गम नहीं, अगम हो गया है, और किस ओर जाना है इसका भी कोई भान नहीं। हमें कैलाश पर जाना है भीम, और अब वही मार्ग दिखाएंगे जो कैलाश पति हैं।